ओके, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हेडशॉट मिस्टेक जो कि आप करते हो एंड उनके वजह से आपका अच्छे से हेडशॉट नहीं लग पाता है, यानी हेडशॉट मिस होता है। सो हमारा नंबर 1 मिस्टेक है रॉन्ग फायर बटन साइज एंड प्लेसमेंट। सो बेसिकली इस वाली मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो, अपना फायर बटन का साइज एंड प्लेसमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। देखो, हेडशॉट लगने के लिए आपका फायर बटन का साइज डायरेक्टली तो मैटर नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली मैटर करता है। अगर आपको अच्छे से हेडशॉट लगाना है, देन आपको अपना फायर बटन को ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना है एंड ज्यादा छोटा भी नहीं करना है। ज्यादा बड़ा फायर बटन रखने से क्या दिक्कत होता है, आप अपना फायर बटन को सही से मूव नहीं कर पाते हो, रोटेट नहीं कर पाते हो। एंड ज्यादा छोटा फायर बटन रखने से क्या दिक्कत होता है, आपका मिस टच होता है, यानी कभी कभार आप फायर करने के लिए फायर बटन को टच करते हो बट वो छोटा होने की वजह से आपका उंगली उसके ऊपर टच ही नहीं होता है। सो एक बेस्ट फायर बटन का साइज 35 से लेके 65 के अंदर होता है, उससे कम नहीं एंड उससे ज्यादा नहीं। एंड उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फायर बटन प्लेसमेंट। आप अपना फायर बटन को कहां पर प्लेस करते हो रखते हो वो डिसाइड करेगा आपका कितना हेडशॉट लगेगा। आपको अपना फायर बटन को उसी जगह में रखना है जहां पर गेम का सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है, और गेम का सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होता है कैमरा मूवमेंट पार्ट का राइट कॉर्नर में। आपको डेफिनेटली अपना फायर बटन को उसी साइड पर रखना है अगर आपको तगड़ा हेडशॉट मारना है। ओके, अभी बात करते हैं हमारा सेकंड हेडशॉट मिस्टेक की, जो कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, जिस मिस्टेक को 90% प्लेयर करते हैं, पहले मैं भी करता था, एंड वो मिस्टेक की वजह से हमारा मोस्टली हेडशॉट मिस होता है। बट उसको बताने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई लोग, आप लोग देख सकते हो हमारा चैनल अभी बहुत ही डाउन चल रहा है एंड हो सकता है कुछ दिन के अंदर पूरा डेड भी हो जाए। आप चाहो तो कुछ कर सकते हो। सो रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लो, एंड अगर आप अपना शक्ति भाई को सच में पसंद करते हो देन सारे मिलके वीडियो को लाइक कर दो। ओके, अभी देखते हैं हमारा सेकंड हेडशॉट मिस्टेक को, जो कि है चेंजिंग गन स्किन्स। बेसिकली इस वाली मिस्टेक में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक गन का एक से ज्यादा स्किन होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज करके यूज करते रहते हैं। मतलब अगर आप एक रेटो फायर गन स्किन से हेडशॉट मारना चाहते हो देन आपको बहुत ही सटल धीरे से ट्रैक करना पड़ता है, एंड अगर आप एक बिना रेटो फायर गन स्किन लाइक डैमेज वाला नहीं तो एक्यूरेसी वाला गन स्किन से हेडशॉट मारना चाहते हो देन आपको कंपैरेटिवली थोड़ा जोर से ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपको हर गोली परफेक्टली हेडशॉट मारना है देन आपको बार बार अपना गन स्किन को चेंज नहीं करना है। ओके, अभी देखते हैं हमारा 3 नंबर हेडशॉट मिस्टेक को, जो कि है सेम ड्रैग स्पीड। इस वाली मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट रेंज के लिए एंड लॉन्ग रेंज के लिए सेम ड्रैग स्पीड का यूज करते हो, जिसके वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है। आपको याद रखना है शॉर्ट रेंज में आपको स्पीड से अपना फायर बटन को ड्रैग करना है एंड लॉन्ग रेंज में उसका ऑपोजिट यानी स्लो से अपना फायर बटन को ड्रैग करना है। ओके, हमारा जो नंबर 4 हेडशॉट मिस्टेक है वो है एनालॉग मूवमेंट, एंड इसके वजह से आपका ज्यादातर टाइम हेडशॉट मिस होता है। आपको कभी भी फायर करने के टाइम अपना एनालॉग बटन को होल्ड नहीं करना है, उससे आपका एमिंग पॉइंट जो होता है वो बड़ा हो जाता है एंड एक्यूरेसी लॉस होने की वजह से आपका हेडशॉट मिस होता है। एंड हमारा जो नंबर 5 हेडशॉट मिस्टेक है वो है लेफ्ट पीक। इसमें आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, एनिमी को लेफ्ट साइड से पीक लेते हुए फायर करते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लेफ्ट साइड से पीक लेकर मारोगे देन आपका बॉडी एनिमी को ज्यादा विजिबल होगा यानी दिखेगा, एंड आप उसको मारने से पहले वो आपके ऊपर एम लेकर आपको इजीली वन टैप मार देगा। सो आपको हमेशा राइट साइड से पीक लेते हुए एनिमी को फायर करना है। ऐसे करने से आपका बॉडी एनिमी को कम से कम दिखेगा, वो आपको वन टैप नहीं मार पाएगा बट आप इजीली उसको वन टैप मार दोगे। ओके, हमारा जो नंबर 6 हेडशॉट मिस्टेक है वो है चेंजिंग कस्टम एचयूडी। इस वाली मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो, अपना कस्टम एचयूडी को बार बार चेंज करते रहते हो। लाइक आज पागल M10 का वीडियो देख लिया, बंदा क्या ही मूवमेंट कर रहा है, चलो उसके जैसा कस्टम एचयूडी मैं भी रख लेता हूँ, मेरा भी तगड़ा मूवमेंट हो जाएगा। एंड कल राइस्टार का वीडियो देखकर उसका कस्टम एचयूडी को कॉपी कर लिया, ये सोचकर कि उनके जैसा कस्टम एचयूडी डिजाइन करने पर आपका उनके जैसा गेम प्ले बन जाएगा। बट इस बड़ा मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करना। अपना कस्टम एचयूडी को बार बार चेंज करने से आपका गेम प्ले खराब होता जाएगा। सो आपको हमेशा एक ही कस्टम एचयूडी में खेलना है, उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, हमारा जो नंबर 7 हेडशॉट मिस्टेक है वो है स्पीड स्विच। इस वाली मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि फायर करने के बाद गन को स्पीड से स्विच कर लेने से आपका हेडशॉट लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड आप इस छोटे से मिस्टेक की वजह से हेडशॉट नहीं मार पाते हो। देखो, स्पीड स्विच का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। आपको अपना गन को तब भी स्विच करना है जब भी गोली आपके गन से निकल चुका हो, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। एंड आप क्या मिस्टेक करते हो, ड्रैग करते ही गन को तुरंत स्विच कर लेते हो, जिसके वजह से आपका प्रॉपर ड्रैग नहीं हो पाता है एंड आपका हेडशॉट मिस होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट यानी नंबर 8 हेडशॉट मिस्टेक है एक्सेस डीपीआई। जिनको डीपीआई का मतलब पता नहीं है, बता दूं डीपीआई आपका फोन का एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको सही तरीके से बढ़ाने से आपका फोन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, एंड ज्यादा सेंसिटिविटी होने की वजह से आपका ज्यादा हेडशॉट लगने लगता है। बट बहुत सारे बंदे क्या मिस्टेक करते हैं, ज्यादा हेडशॉट मारने के लालच में डीपीआई को कुछ ज्यादा ही बढ़ा लेते हैं। ऐसा करने से उनका फोन तो खराब होता ही है, उसके साथ साथ उनका गोली ज्यादा सेंसिटिविटी होने के वजह
वजह से एनिमी के सर के ऊपर से भी निकल जाता है। एंड उसके बाद हेडशॉट तो छोड़ो, बॉडी शॉट भी नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक्सेस डीपीआई नहीं बढ़ाना है। अगर आपको जानना है आपके फोन के हिसाब से आपको कितना डीपीआई रखना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद उसको देख लेना। ओके, हमारा नेक्स्ट एंड नंबर 9 हेडशॉट मिस्टेक है रॉन्ग ड्रैग टेक्निक। बेसिकली इस वाली मिस्टेक में आप लोग क्या करते हो, सही टाइम पर सही ड्रैग टेक्निक का यूज नहीं करते हो, एंड इसके वजह से आपका ज्यादातर टाइम हेडशॉट मिस होता है। आप लोग क्या गलती करते हो, शॉर्ट रेंज पर भी स्ट्रेट ड्रैग का यूज करते हो, एंड शॉर्ट रेंज में एनिमी का साइज बड़ा होने की वजह से आपका एम एनिमी के बॉडी में ज्यादा चिपकता है, तो स्ट्रेट ड्रैग वहां पे काम नहीं करता है। ओके, आज मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे कहां पर स्ट्रेट ड्रैग यूज करने से हेडशॉट लगता है एंड कहां पर रोटेशन ड्रैग से हेडशॉट लगता है। देखो, एनिमी का साइज अगर आपसे छोटा है तो वहां पे आपको अपना फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग करना है, जिस तरीके से देख सकते हो। एंड अगर एनिमी का साइज आपसे बड़ा है या फिर एनिमी आपका साइज का है, तो वहां पे आपको रोटेशन ड्रैग करना है। आपको अपना फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग करना है, जिस तरीके से आप देख रहे हो। ओके, अभी देखते हैं हमारा लास्ट एंड सबसे इंपोर्टेंट मिस्टेक को, जिसके वजह से 90% प्लेयर का हेडशॉट नहीं लगता है, एंड वो है प्रैक्टिस। आप जितना भी हेडशॉट मारने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, सेटिंग कर लो, बिना प्रैक्टिस के आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बैट को पकड़े हुए घर में बैठे रहोगे, थोड़ी ना सचिन बन जाओगे। सचिन बनने के लिए तुमको फील्ड में उतरना पड़ेगा। अगर आपको सारा गोली एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारना है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मैच खेलो एंड अनलिमिटेड कस्टम रूम में प्रैक्टिस करो। और सुनो, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिनको यूज करने से आपका इजीली हेडशॉट लगेगा, अगर उसको जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो। एंड अगर आपको अपना फोन के हिसाब से डीपीआई कितना रखना है वो जानना है, तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो।